हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में ड्रॉ करने वाला हूँ विराट कोहली को। वीडियो को थर्ड पार्ट है, इसके पहले कैप्टन ड्राइंग का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही पार्ट्स नहीं देखे, दोनों पार्ट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उन्होंने बताया था कि विराट कोहली का आउटलाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हो, फेस कैसे ड्रॉ कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं बैकग्राउंड एंड ट्रॉफी को ड्रॉ करने वाला हूँ। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स सी। ओके, सबसे पहले आप मैं बैकग्राउंड से ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा। और बैकग्राउंड को कलर करने के लिए मैं ब्रश पेन का यूज कर रहा हूँ, और अगर आप चाहो तो आप लोग यहाँ पर कलर पेंसिल का भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपने अपनी कलर पेंसिल को ड्रॉ करते समय बारी बारी शार्प करते रहना होगा, जिससे आप लोग काफी अच्छे से बैकग्राउंड में कलर को पुट कर पाओगे। यहाँ पर आपने रेफरेंस इमेज को काफी अच्छे से ऑब्जर्व करना है, एंड जो भी कलर फोटोग्राफ पे बैकग्राउंड में है आपको वही सेम कलर को ड्रॉइंग में पुट करते जाना है। ब्रश पेन से एक बार कलर पुट करने के बाद अब मैं आपका कलर पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर आपने अपनी कलर पेंसिल को बार बार शार्प करते रहना होगा, जिससे आप लोग काफी अच्छे से ड्राइंग में कलर को ब्लेंड कर पाओगे। तो यहाँ पर आपने फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करते हुए जो कलर बैकग्राउंड में है आपको वही सेम कलर को कलर पेंसिल का यूज करके कलर करना है। ट्रॉफी को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्रश पेन का यूज कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो आप लोग सीधा कलर पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्रश पेन का यूज करूंगा कलर करने के लिए, एंड उसके बाद ड्राइंग में डिटेल्ड एरियाज को ड्रॉ करने के लिए कलर पेंसिल का यूज करूंगा। ट्रॉफी में जितने भी डिटेल्ड एरियाज है उन सबको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर ब्लैक कलर पेंसिल एंड ब्लू कलर पेंसिल का यूज करूंगा। और यहाँ पर आप लोगों को काफी अच्छे से ट्रॉफी की एक एक लाइन को ऑब्जर्व कर और मेजर कर ड्रॉ करना होगा, जिससे आप लोग काफी अच्छे से ड्राइंग में डिटेल एरियाज को बिल्कुल इजीली ड्रॉ कर पाओगे। ट्रॉफी में जितनी भी शाइन है उस सबको ड्रॉ करने के लिए हम लोग एंड में व्हाइट एक्रेलिक पेंट का यूज करेंगे। बस यहाँ पर आपने फोटोग्राफ को काफी अच्छे से ऑब्जर्व करना है, एंड उसके अकॉर्डिंग ट्रॉफी को पार्ट बाय पार्ट ड्रॉ करते जाना है। अब ट्रॉफी के नीचे वाले हिस्से में भी हमको वही सेम प्रोसेस का यूज करना है जो हमने ट्रॉफी के मेन एरिया को ड्रॉ करते समय यूज कर रहा था।
ड्राइंग में जितने भी रिमेनिंग हाइलाइट्स है उन सबको ड्रॉ करने के लिए या कलर करने के लिए मैं पर व्हाइट एग्रेडी कलर का यूज़ कर रहा हूँ। बस आपने आपका काफ़ी आराम से फोटोग्राफ को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर एक एक डिटेल्स को काफ़ी अच्छे से व्हाइट एक्रेलिक पेंट का यूज़ करके कवर करना है। ओके साहब, विराट कोहली की ड्राइंग का बैकग्राउंड एंड ट्रॉफी ड्रॉ हो चुकी है। इस ड्राइंग को नेक्स्ट पार्ट में मैं विराट कोहली की ड्राइंग को कंप्लीट ड्रॉ कर दूंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो जो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जो कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जो कर देना। तब तक के लिए कीप ड्राइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।